मोबाइल कनेक्टिविटी कैसे होती है? तो भाई मोबाइल में आपको एक ऐप इंस्टॉल करना है, पहला वाला बॉक्स फिल है, तो आपके पास 1 लीटर पेट्रोल है, और अगर ये आपका फिल है पांचों, मतलब 5 लीटर पेट्रोल है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है भावना चौधरी। तो हीरो मोटोकॉर्प पे आज मैं हूँ, और हीरो ने लॉन्च किया है नया स्कूटर। स्कूटर का नाम आप पहले से ही जानते हैं, हीरो का जूम। अब नॉर्मल जब आप स्कूटर लेने का प्लान करते हैं तो भाई होंडा एक्टिवा पर जाकर स्टक हो जाते हैं, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि कंपनी ने इस स्कूटर में ऐसे फीचर्स ऐड किए हैं जो सेगमेंट फर्स्ट है, यानी टेक्नोलॉजी के मामले में हो या डिजाइन के मामले हो या कलर्स के मामले में। कलर आप इसका देख सकते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव कलर्स में इसे लॉन्च किया गया है, और फिलहाल जो फ्रेम में देख रहे हैं ये है इसका टॉप एंड वेरियंट। तो एक्टिवा पर स्टक होना आज से आप भूल जाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाले जो ऐसे नए नए व्हीकल के वीडियोस हैं वो आप लोगों से मिस ना हो जाए। तो चलिए सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं इसका डिजाइन। तो हीरो जूम को लॉन्च किया गया है 3 वेरिएंट्स में, LX, VX और ZS। अब आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वेरिएंट है जो आप फ्रेम में देख रहे हैं? तो ZX वेरिएंट जो इसका टॉप एंड वेरिएंट है, यहाँ पे आपको XTEC की बैजिंग मिल जाती है। सिर्फ यही एक ऑप्शन है ताकि आप पहचान सके कि ये है इसका टॉप एंड वेरिएंट। अब टॉप एंड वेरिएंट में आपको कलर ऑप्शंस मिलते हैं 4, ब्लू, ब्लैक, ऑरेंज और एक आप फ्रेम में देख रहे हैं रेड। सारे जो ऑप्शंस आते हैं वो डुअल कलर ऑप्शन के साथ आपको मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके डिजाइन की, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि इसकी जो की है वो नॉर्मल स्कूटर्स की तरह आपको मिलती है, और की को ऑन करके एक बार मैं दिखाती हूँ आपको इसका फ्रंट डिजाइन। आप ये जो फ्रंट प्रोफाइल देख रहे हैं, मैंने आपको बताया ये डुअल कलर ऑप्शन में आती है, रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ। बीच में आपको पूरा ये ब्लैक पार्ट मिल जाता है, यहाँ पर हीरो की आपकी बैजिंग दी गई है, और ये जो लाइटिंग सेटअप आप इसका देख रहे हैं, ऑन करके दिखाती हूँ अभी आपके, ये हो गए हैं DRL ऑन। इसको फ्रंट प्रोफाइल में आपको जो लाइटिंग सेटअप मिलता है वो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं, इसके साथ ही आपको DRL भी मिल जाते हैं। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, बात करेंगे व्हील्स के, तो इसमें आपको मिलते हैं MRF के टायर, 90x90 इनका सेक्शन है, और 12 इंच के ये आपको टायर मिल जाते हैं। इसके साथ ही आप एक चीज और देख रहे होंगे जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, वो है इसके डायमंड कट अलॉय व्हील्स। अब तक आपने डायमंड कट अलॉय व्हील्स ज्यादातर देखे हैं गाड़ियों में, लेकिन अब दे दिए हैं आपको हीरो ने भी डायमंड कट अलॉय व्हील्स। एक और चीज, अब यार ये है आपकी कॉर्नरिंग लाइट जो कि सेगमेंट फर्स्ट है। ज्यादातर कॉर्नरिंग लाइट का यूज जो है गाड़ियों में होता है, कार्स में होता है, लेकिन ये सेगमेंट का पहला स्कूटर है जो इस फीचर के साथ आता है। यानी जब भी आप स्कूटर को राइड कर रहे हैं, राइट में या लेफ्ट में आपको टर्न लेना है, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी कॉर्नरिंग लाइट जो है ऑन हो जाती है, जो कि सेफ्टी के मायने से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही वाइजर पे यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं। तो ऑल ओवर अगर फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो दिस इज वेरी अट्रैक्टिव। अब आपको दिखाती हूँ इस स्कूटर की रियर प्रोफाइल। तो रियर में जब आप आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका टेल लाइट सेटअप। यहाँ पर आप ये देखेंगे, ये भी आपका पूरा सेटअप पूरी तरह से LED है। यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं, रिफ्लेक्टर है, और पीछे जो आप ग्रैब रेल देख रहे हैं, नॉर्मली स्कूटर्स में आपने देखा होगा जो आपकी ग्रैब रेल होती है और जो आपकी बॉडी होती है, दोनों में काफी डिफरेंस होता है। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि वो इंटीग्रेटेड है, लेकिन यहाँ पर ये जो ग्रैब रेल है, सबसे पहले तो ये मेटल की है सेफ्टी पर्पज से, और ये आपकी बॉडी से इंटीग्रेटेड है। साइड प्रोफाइल में यहाँ पर आपको जूम XTEC की बैजिंग मिल जाती है। XTEC की बैजिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप हीरो जूम का टॉप एंड वेरियंट खरीदेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये ZX वेरियंट है। ZX वेरिएंट या LX वेरिएंट या VX वेरिएंट, वेरिएंट वाइज कहीं पर भी नाम नहीं लिखा हुआ है कि ये कौन सा वेरिएंट है। सिर्फ आपको XTEC की बैजिंग से पता चलने वाला है कि ये इसका टॉप एंड वेरिएंट है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाती है सीट, और सीट का जो फैब्रिक है वो भी काफी अच्छा है, और यहाँ पर कुछ कर्वी आपको मिल जाता है लोगो। तो ये हो गई इसकी सीट प्रोफाइल और ग्रैब रेल की बात। अब बात करेंगे थोड़े से फीचर्स के बारे में। तो ये आप इसका सबसे पहले हैंडल बार देखो। हैंडल बार पे सबसे जो अच्छी चीज मुझे लगी वो है ये वाला पोर्शन। नॉर्मल ये डुअल टोन कलर ऑप्शन में स्कूटर है रेड और ब्लैक में। अब रेड की फिनिशिंग आपको यहाँ भी दी गई है, जिससे स्कूटर का जो प्रोफाइल है, स्कूटर का जो लुक है वो काफी अट्रैक्टिव हो जाता है। यहाँ पर ये जो आपका कंसोल है ये डिजिटल है। ऑन करके मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, ये आप देखेंगे ये आपका डिजिटल है। इसके साथ ही इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन मिलता है। कंसोल में आप जो है अपना मोबाइल भी कनेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल कनेक्टिविटी कैसे होती है? तो भाई
मोबाइल में आपको एक ऐप इंस्टॉल करना है जिसका नाम है, आप यहाँ देख सकते हैं, हीरो राइड गाइड। आप इस ऐप में इस डिजिटल कंसोल के जरिए इससे कनेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आपकी पूरी इंफॉर्मेशन आती है। 82% बैटरी है, मिस कॉल है, SMS, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी यहाँ पर दिखाई देती है। यानी अगर आप स्कूटर की राइड कर रहे हैं, लंबे सफर पर निकले हैं, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि आपके मोबाइल में बैटरी है या नहीं। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं अभी ये कनेक्ट है, तो यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है इस ऐप के जरिए कि कितनी आपकी फोन की बैटरी बची है, कितने आपके सिग्नल हैं, कितने आपके SMS हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वाली स्क्रीन पर दिखाई दे जाती है। अब इस स्कूटर का जो फ्यूल टैंक है वो है 5.2 लीटर का। और यार यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज देखो, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर आपको 5 बॉक्स देगा। यानी कि अगर आपका पहला वाला बॉक्स फिल है तो आपके पास 1 लीटर पेट्रोल है, और अगर ये आपका फिल है पांचों, मतलब पांचों बॉक्स आपके फिल दिखा रहा है, अभी एम्प्टी है, तो आपके पास 5 लीटर पेट्रोल है। यानी माइलेज की जो कैलकुलेशन है वो आप इस कंसोल से बड़े इजीली कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको ट्रिप की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, टाइमिंग की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और जब इसे आप मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको बैटरी की, मैसेज की, कॉल्स की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और यहाँ पर दी गई है आपको हीरो की बैजिंग। अब राइडर के राइट साइड में देखेंगे तो आपको I3S स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी मिल जाती है। यहाँ पर नॉर्मल आपको इग्निशन दिया गया है, इस साइड हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर और हॉर्न के स्विचेस मिल जाते हैं। हीरो जूम में कंपनी ने ऑफर किया है 20 लीटर का बूट स्पेस। अब इस बूट स्पेस का एक बार टेस्ट भी करके देख लेते हैं। ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, गर्ल्स हेलमेट है, बड़ा प्यारा सा दिखने वाला, और इसे अगर मैं बूट स्पेस में मैनेज करती हूँ तो ये आप देखेंगे बड़े आराम से हेलमेट आ गया है आपका यहाँ पे, और ये आपका हो गया है बूट बंद। यानी कि 20 लीटर का जो बूट स्पेस है वो हेलमेट के पर्पज से, और नॉर्मल अगर आपको इसमें बैग वगैरह रखना है तो उसके पर्पज से भी काफी अच्छा है। एक हाफ फेस हेलमेट अभी मैंने रखा है, लेकिन एक फुल फेस हेलमेट भी इसमें बड़े इजीली आप मैनेज कर सकते हैं। स्टोरेज स्पेस की बात हो रही है तो यहाँ वाला जो स्टोरेज स्पेस है उसे भी मैनेज करते हैं। यहाँ पर आप ये देखेंगे एक लेडीज पर्स बड़े आराम से आ जाएगा, इसके साथ ही वाटर बॉटल भी आ जाएगी, और अगर मुझे मोबाइल रखना है पर्स के साथ तो मेरा मोबाइल भी यहाँ पर बड़े आराम से कैरी हो जाएगा। यानी स्टोरेज स्पेस की इस स्कूटर में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ये आपको जो फुटबोर्ड आपको दिया गया है ये यहाँ पर आपका नॉर्मली सभी स्कूटर्स में मिलता है, वो भी मिल जाता है, और सबसे खास बात है कि ये आपका एडजस्टेबल है। अब यहाँ पर ये जो स्पेस दिया गया है यहाँ पर आप देख रहे हैं चार्जिंग, तो भाई यहाँ पर आपको मिल जाता है USB पोर्ट। यहाँ पे अपनी डाटा केबल इंस्टॉल कीजिए और यहाँ पर मोबाइल रखे केबल के साथ, और बड़े इजीली राइड करते करते अपने स्कूटर के साथ साथ मोबाइल को भी चार्ज कर लीजिए। तो इतनी सारी डिटेल्स के बाद बात आती है इंजन और पावर की। तो इसमें आपको हीरो का रिफाइंड इंजन मिलता है, 110 cc का ये इंजन है। यह आपका इंजन 8 BHP की पावर जनरेट करता है और टॉर्क है इसका 8.7 Nm। और अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो मैं आप लोगों से पहले ही बता चुकी हूँ कि इसका मैं प्रॉपर माइलेज टेस्ट करने वाली हूँ, उसके बाद इसका माइलेज टेस्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी माइलेज के बारे में कुछ भी कहना भाई संभव नहीं है, लेकिन 110 cc का जो इंजन है वो रिफाइंड किया गया है, ट्यून किया गया है, जिसके चलते इसकी जो एक्सेलरेशन पावर है वो सेगमेंट में सबसे ज्यादा हो जाती है। कितनी, ये आपका 0 to 60 जाने में सिर्फ लेता है 9.3 सेकेंड, जो कि सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। अब इतने सारे फीचर्स बताने के बाद बात आती है प्राइस की, किस स्कूटर के प्राइस क्या है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये स्कूटर 3 वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है, LX, VX और ZX, और ये है इसका टॉप वेरिएंट जिसका नाम है ZX। तो इसके प्राइस स्टार्ट होते हैं 79,500 के आसपास, जो कि एक्स शोरूम है। वहीं अगर बेस वेरिएंट की बात करें तो बेस वेरिएंट आपको पड़ता है 71,000 के आसपास। यानी बेस से अगर आप टॉप पर स्विच करते हैं तो 8 से 9 हजार का अंतर आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल मैं हूँ सेक्टर 58 में सिंगला हीरो नोएडा पर। यहाँ पर ये स्कूटर अवेलेबल है, तीनों वेरिएंट इसके अवेलेबल है, आप चाहे तो टेस्ट राइड यहाँ से इनकी अवेलेबल कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे आपके साथ इस नए वीडियो में एक नए व्हीकल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।